शादी के 2 साल बाद मारूफ गुलुकारा ने ससुरालियों के जुल्म से तंग आकर अपनी जान ले ली। भारत में प्लेबैक सिंगर सुष्मिता ने जहेज न लाने पर शौहर और ससुरालियों के तानों से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत कर्नाटक की मुकामी जबान की गुलुकारा 26 साल सुष्मिता ने वालदा के घर पंखे से लटक कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। गुलुकारा की 2 साल कबल ही शरद कुमार नामी शख्स से शादी हुई थी। खुदकुशी से कबल गुलुकारा ने व्हाट्सएप पर अपनी वालदा के लिए एक मैसेज छोड़ा, जिसमें शौहर और ससुरालियों के मजालिम का जिक्र करते हुए लिखा था कि कम जहेज लाने पर आए दिन ताने दिए जाते और बेइज्जती की जाती थी। गुलुकारा की वालदा ने बेटी के शौहर और ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हुए मुकामी पुलिस में दरख्वास्त दायर कर दी है। ताहम पुलिस का कहना है कि लाश के पोस्टमार्टम के बाद तहकीकात का आगाज किया जाएगा।